आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर जा गिरा, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। ये सबसे कम उम्र में और ऐसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी पर लटकाया गया। 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी पर लटकाया गया जब इन्होंने एक हाथ में गीता ले रखी थी और इनके वकील का नाम कालिदास बोस था। खुदीराम बोस को जिस मुकदमे में फांसी दी गई उसका जज कर्न डफ था। तो ऐसे महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस को हमारा सादर नमन। जय हिंद।